क्लास 4, अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर इंग्लिश टीचर शाहिदा नास। दिस इज़ योर बुक द ग्रामर ट्री फॉर क्लास 4। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोनाउन, पेज नंबर 10। Today our learning objects are, so when you replace a noun with a pronoun, you must look at a pronoun of the masculine gender must be replaced with he. A pronoun of a feminine gender is usually replaced with she. A noun of the common gender may be replaced with he, she as required. Pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun that has already been mentioned or is already known. Pronoun किसको कहते हैं बेटा? इसमें ज़मीर को कहते हैं। इसमें ज़मीर वो चीज़ होती है जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी noun की जगह इस्तेमाल करते हैं या किसी के नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। है ये ऐसा होता है जब हम किसी नाम को बार बार पुकारना नहीं चाहें और उसकी जगह हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल करना चाहें तो हम फिर इसका इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रोनाउन, या इसमें ज़मीर कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब नाउन को हम कैसे प्रोनाउन को उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे और नाउन किस तरह रिप्लेस होगा। अगर कोई नाउन मैस्कुलिन जेंडर है तो उसकी जगह हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, ही से। अगर हमारे पास नाउन फेमिनाइन जेंडर है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे शी से। और कोई अगर न्यूट्रल जेंडर है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इट्स से। और अगर कोई कॉमन जेंडर में भी रिप्लेस्ड विद किससे होगा, कभी कभी एक साथ दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो वो हम ही और शी से, अगर हम वो हमारे पास होगा तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, दे से। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, पेज नंबर 12 पर। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग अ नाउन विद अ प्रोनाउन वेयर एवर पॉसिबल वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब नंबर 1 है हमारे पास, द मैन लुक्ड एट मी एंड द मैन स्माइल्ड। अब देखिए इसमें प्रोनाउन कैसे रिप्लेस होगा। द मैन लुक्ड एट मी एंड द मैन की जगह दोबारा द मैन नहीं आएगा, उसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा, ही, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ही स्माइल्ड। इसी तरह क्या है, मीरा नंबर 2, मीरा लुक्ड एट द हिल इन द डिस्टेंस, मीरा वांटेड टू क्लाइम द हिल। अब इसमें क्या होगा, हम किस तरह बनाएंगे इसको कि मीरा की जगह क्या आ जाएगा, शी, और द हिल की जगह क्या आ जाएगा, इट। नंबर 3, द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स that the students must listen carefully to what the teacher told the students. अब हम इसमें क्या करेंगे, the teacher told her students that the students की जगह क्या आ जाएगा, they must listen carefully to what the teacher told the students. फिर the students की जगह क्या आ जाएगा, them. Shoaib was Zia's sons but Shoaib and Zia had never met. अब शोएब एंड ज़िया की जगह क्या आ जाएगा, कि दो जगह दो नाम एक साथ आ रहे हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दे। नंबर 5, जिम वांटेड टू प्ले एंड सो जिम लुक फॉर हिज बैट एंड बॉल। जिम की जगह क्या आ जाएगा बेटा, दोबारा जब जिम आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ही। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ तकरीबन 15 सेंटेंस दिए हुए हैं पेज नंबर 12 पर। आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपने पेज नंबर 12 अपना कम्प्लीट करना है। टुडेज होमवर्क, do complete page number 12. Please. Thank you, students.